आज पैनल हमारे साथ है और जैसा मंच से परिचय दिया गया है मेहमानों का, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की दो लाइनें हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि एक हमारे जो मेहमान बाकी हैं, अब वो आएंगे तो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत में नीरज जी को याद कर रहा था और नीरज जी की दो लाइनें हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। कलमकार जब होता है, कलम चाहे वो कवि के तौर पर इस्तेमाल की जाए चाहे शायर के तौर पर इस्तेमाल की जाए, वो समाज को बहुत कुछ देती है, संस्कार देती है, दिशा दिखाती है और कहीं ना कहीं सत्ता को, समाज को उस दिशा में ले जाने की ओर इशारा करती है जहां सिर्फ बेहतर हो सकता है, बेहतरी की गुंजाइश बहुत रहती है। पहला सवाल मैं मिराज जी आपसे करना चाहूँगा, दुष्यंत की धरती है ये और दुष्यंत की इस धरती पर हम लोग बैठे हैं, शायरी पर बात होगी, कविताओं पर बात होगी, आज के दौर में दुष्यंत कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, दुष्यंत कुमार त्यागी का ताल्लुक सरजमीन बिजनौर से है, यह हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि दुष्यंत कुमार त्यागी वो नाम है जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहाँ बहुत अदब और एहतराम से दुष्यंत कुमार त्यागी का नाम लिया जाता है। दुष्यंत के कलम से ऐसे ऐसे शेर होकर गुजरे। दुष्यंत जी कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आँखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। वाह, यही तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, ये दुष्यंत कुमार त्यागी जी की पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई। और अच्छी बात मिराज जी ये है कि बड़ा कवि या बड़ा शायर ये खुद तय नहीं करता कि वो कितना अच्छा लिख रहा है, समय कालखंड तय करता है कि वो कितना अच्छा लिख गया और क्या लंबे अरसे तक उनकी वो लाइनें, उनकी पंक्तियाँ लोग गुनगुनाते हैं, लोग कोट करते हैं। हम आपसे एकल जी जानना चाहेंगे, हिंदी उर्दू, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी उर्दू ये दो जिंदा जबानें ऐसी हैं जो सगी बहनों की तरह इस देश में रहती हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि जो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, उन्होंने कहा कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। ये एक खास बात है और वही खूबसूरती बिजनौर में देखने को मिलती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, न सिर्फ दुष्यंत त्यागी बल्कि उर्दू के महान प्रख्यात शायर निश्तर खान का ही भी बिजनौर की ही देन है। क्या कहने, हमारे यहाँ शायर कवि ये कोई अलग अलग मामले नहीं रहे हैं, एक जैसा बयान रखते हैं, हिंदी उर्दू समान रखते हैं। और खास तौर पर बिजनौर की यही खासियत रही है, ये शख्सियत जो बिजनौर में रही हैं इन्होंने बिजनौर का नाम इसीलिए रोशन किया है, ये खासियत रही है बिजनौर की कि यहाँ हिंदी उर्दू लैंग्वेज ये कुछ नहीं है, यहाँ समान रूप से हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर और ख़ास तौर पर दुष्यंत त्यागी का तो नाम आप जानते ही हैं कि सर्वविदित है, दुष्यंत त्यागी यहाँ समृद्ध कवि रहे हैं, उनकी तो कविताओं का सर्वप्रथम हिंदी और उर्दू को गजलों में जो प्रयोग किया वो दुष्यंत त्यागी ने किया है, उनके यहाँ लैंग्वेज की कोई मान मर्यादा कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। क्या कहें? तो ये दुष्यंत त्यागी हैं और इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, ये दुष्यंत त्यागी हैं। और निश्तर खान का ही इतना बड़ा नाम हुआ है, कुर्रेल तुने हैदर, ये सब हमारे बिजनौर से ही गए हैं। और मैं चांद चंद पंक्तियां सुनाता हूँ, हमारे यहाँ तो इतना तक है कि ये जो समारोह होते हैं, जो कवि सम्मेलन और मुशायरे, गंगा जमनी तहजीब जो है, वो चार पंक्तियों में मैं अपनी चार पंक्ति सुनाता हूँ आपको। जी जी प्लीज। कि एक तरफ है नबी से अकीदत, एक तरफ वंदना सुर सती की, एक तरफ है नबी से अकीदत, एक तरफ वंदना स्वर सती की, और इस जगह हमको प्यारे हैं दोनों, बात है इल्म की रोशनी की। इल्म की रोशनी की बात है, इल्म की रोशनी की। तो हमारे यहाँ ये गंगा जमनी तहजीब का एक सर्वप्रथम, मैं तो कहूँगा कि बल्कि सर्वप्रथम जो गंगा जमनी तहजीब का जो इदारा, जो स्कूल, जो संस्थान चले वो बिजनौर से चले। जी बिल्कुल,
जिस तरीके से कहते हैं कि अगर जिंदगी में संगीत ना हो, इतिहास और साहित्य का ज्ञान ना हो, तो जिंदगी का रस कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और यही वजह है कि इस सत्र में हमारे साथ कवि भी हैं, शायर भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जो बिजनौर के तालमेल को बताएंगे, यहाँ के साहित्य को समझाएंगे और यहाँ की प्रतिष्ठा क्या कुछ है उसको अपनी शायरी और कविताओं के जरिए रखेंगे। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी सुमन जी, आपसे, चूँकि शायरी भी हमने सुनी तो मैं चाहूँगी कविता हो जाए। आज के इस बदलते दौर को आप किस तरीके से देखती हैं, और आज की तारीख के लिए अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो कुछ शब्द हो जाए। आप माइक ले लीजिए। हेलो, बिजनौर की गंगा जमुनी तहजीब है, इससे सभी वाकिफ हैं। और मैंने सुना है कि 1947 में जब पूरे देश दंगों में जल रहा था, उस समय भी बिजनौर में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। ऐसी हमारी ऐतिहासिक पवित्र भूमि है, महात्मा विदुर की भूमि है, यहाँ पर साहित्य भी है और सारी बहुत सारी विधाएं हैं, तो बहुत उन्नति कर रहा है। मैं कुछ पंक्तियाँ देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप पंक्तियाँ ज़रूर सुनाइएगा। उससे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप विवेक जी कुछ अगर आप कहना चाहें अपने शब्दों में, अपने तरीके से इस बदलते दौर की जो संरचना हम आज के समय में देख रहे हैं उसे अपने शब्दों के जरिए अगर आप रखना चाहें। बिजनौर की धरती है, दुष्यंत जी की धरती है, इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ त्यागी जी की धरती है। उन्होंने कहा, एक हसरत की आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं बताना चाहता हूँ, ये अख्तर उल ईमान साहब की धरती है, बहुत बड़े शायर हुए हैं। और वक्त फिल्म का मशहूर डायलॉग, चिनौई से जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, हमारे जिले के थे अख्तर उल ईमान साहब। मैं यहाँ हमारे देश के एक बड़े कवि हैं सुनील जोगी जी, उनकी पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। उन्होंने कविता की जो परिभाषा दी है, वह कविता थी जिसने गौरी को शब्द बांग से मारा था, वह कविता थी जिसके सुर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वह कविता है जो मानस, रामचरितमानस, वह कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वह कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वह वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वह कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। यदि मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है, यदि दरबारों में गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच यदि गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का सुर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। बिल्कुल जोरदार तालियां। कविता के शब्द एक है, कविता कहने को तो एक है लेकिन इसके रूप अनेक है। मैम आप अपनी कविता सुना रही हैं। हाँ, मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियां देना चाहूंगी कि माँ दुआएं बहुत देती है, माँ दुआएं बहुत देती है, राह के कांटों को चुन लेती है। माँ, बच्चे भी बैठे हैं, आप सबको भी कहूंगी कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, वहीं से दुनिया शुरू होती है, वही आपको इस लायक बनाते हैं कि आप जीवन में तरक्की कर सको। माँ दुआएं बहुत देती है, राह के कांटों को चुन लेती है, उसे कभी खफा मत करना, खुशियाँ रास्ता बदल देती हैं, उसे कभी खफा मत करना, खुशियाँ रास्ता बदल देती हैं। माँ कुछ कहती नहीं बस चुपचाप रो देती है, माँ कुछ कहती नहीं बस चुपचाप रो देती है, उसे कभी बोझ मत समझना। आजकल आप देख रहे हैं इतने ओल्ड पीपल होम बन रहे हैं, बच्चों आप देश का भविष्य हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे कभी बोझ मत समझना। माँ ममता की छांव देती है, माँ ममता की छांव देती है, और बदनसीब माँ नहीं वह औलाद है जो माँ के दिल को सुकून नहीं देती है, जो माँ के दिल को सुकून नहीं देती है। और अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की कि माँ के हाथों में वह पतवार है, माँ के हाथों में वह पतवार है जो नौका को कभी डूबने नहीं देती, जो नौका को कभी डूबने नहीं देती। आपके साथ माँ की दुआएं रहेंगी तो आप हर समय तरक्की करोगे और उन्नति करोगे। कुछ पंक्तियाँ बेटियों के लिए हैं, पर कुछ टाइम बाद देना चाहूँगी। धन्यवाद सुमन जी, माँ का जिक्र किया आपने। मुनव्वर राना साहब ने माँ पर बहुत लिखा है, गज़ल कहने का मतलब होता है माशूका के साथ गुफ्तगू करना, लेकिन मेयारी दर्जा अगर आप देखें तो रिश्तों की दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि ऐ अंधेरे देख तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये एक माँ की महिमा होती है। और माँ का जब जिक्र आता है तो बहुत सारे शेर कहे हैं। मैं मिराज साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ गुनगुनाना चाहते थे माँ के लिए, जरा
प्लीज। माँ की जात जो है बड़ी पाकीज़ा जात है और माँ पर मैम ने भी शायरी सुनाई तो माँ पर मुझे भी अपने चंद शेर याद आ गए जी। फरमाए। मैंने कहा कि खुशी ऐसे हमें हर पल तुम्हारा प्यार देता है। वाह। खुशी ऐसे हमें हर पल तुम्हारा प्यार देता है कि जैसे छोटे बच्चे को खुशी इतवार देता है। और ये शेर माँ के लिए कि मैं दिन भर देखता हूँ सैकड़ों चेहरे मगर है माँ, मैं दिन भर देखता हूँ सैकड़ों चेहरे मगर है माँ, सुकून आंखों को मेरी बस तेरा दीदार देता है। वाह। सुकून आंखों को मेरी बस तेरा दीदार देता है। जहाँ माँ शायरी में लोगों ने माँ के लिए शेर कहे हैं वहीं बाप के लिए भी कहे हैं, तो क्योंकि अगर जहाँ माँ का रुतबा बड़ा है तो वहाँ बाप का भी कहीं कम नहीं है। मुझे अपनी चार पंक्तियाँ याद आती हैं, मैंने बाप के लिए कही थी कि अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे, अभी तो मेरे सीने में तुम्हारी याद बाकी है, कि अपने बाप के दिल को दुखाने वाले ये सुन ले तेरा भी दिल दुखाने को तेरी औलाद बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राघवेंद्र जी, चूंकि अगर जिंदगी के नाव के चप्पू अगर माता पिता के हाथ में है तो समझिए कि कभी आप डूबेंगे ही नहीं, निरंतर अग्रसर अपनी जिंदगी में होते जाएंगे। सर आपसे जानना चाहूंगी, आज के बदलते दौर में रिश्तों की परिभाषाएं बदली हैं, जैसा कि जिक्र यहाँ पर माता पिता का हो रहा है, अब समस्याएं भी कही, आज के दौर के लिए आपने अगर कुछ लिखा हो अपने अंदाज में आज की तारीख के लिए तो कुछ वो गुनगुना दीजिए। देखिए, जहां तक माँ का सवाल है, माँ के लिए तो बहुत बहुत कवियों ने बहुत बहुत खूबसूरत रचनाएं दी हैं। बेशक। मैं दो पंक्तियां दे रहा हूँ जी, सुनिए। कि माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, मैं कहूँ कैसे किसी खास की माँ, किसी खास की माँ, कोई जुबैर की अम्मी, कोई विकास की माँ। बहुत अच्छा है। माँ तो माँ है, मैं कहूँ कैसे किसी खास की माँ, कोई जुबैर की अम्मी, कोई विकास की माँ। और बात हिंदी गजलों की आपने की थी तो चंद पंक्तियां दे रहा हूं जी। जी प्लीज इरशाद। तरन्नुम से इजाजत है? बिल्कुल। देखें, तमाम मेरे नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति कहां तक पहुंची है ये दो पंक्तियों के माध्यम से मैं दे रहा हूं। कि हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, संकलन कहते हैं बच्चों इकट्ठा करना, इंतखाब उर्दू में, कलेक्शन। के हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, चार गुंडे मिले संगठन हो गया, चार गुंडे मिले, ताली बजा सकते हैं आप, हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, चार गुंडे मिले संगठन हो गया, और रोटियों की जगह बतौर खास है कि रोटियों की जगह योजनाएं बटी, रोटियों की जगह योजनाएं बटी, देश की भूख का संभरण हो गया, हर तरफ झूठ का संकलन हो गया। मैं संजू जी आपकी बात को बढ़ाते हुए कहूँ आप सभी लोगों से कि जो शेर आपको तुरंत समझ में आ जाए, यकीनन जिस पर आप दाद दें वो अच्छा होता है शेर, जो आपको कुछ देर बाद समझ में आए वो यकीनन ज्यादा अच्छा होता है। कई बार शेर आपको घर जाके समझ में आता है कि मंच से क्या कहा गया था, उसके मायने क्या थे, तो शायरों को आप दाद देते रहिए, अच्छी शायरी हो रही है, अच्छी कविताएं हो रही हैं। बिल्कुल, बदलती राजनीति को अपने शब्दों में सर ने रखा और किस तरीके से उसका असर आज के जमाने में देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा मैं समझती हूँ कि कोई तरीका राघवेंद्र जी नहीं हो सकता। विवेक जी आपसे जानना चाहूंगी, बिजनौर का इतिहास अपने आप में बहुत विस्तृत रहा है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, 21वीं सदी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पुस्तकों में, बुक्स में सिमटा हुआ नजर आता है, क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? बिजनौर का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, जैसे जो भगवान, जो हमारे देश का नाम है भारत, वो भरत पर, भरत के नाम पर पड़ा, वो राजा भरत यहीं कंगम ऋषि के आश्रम में पैदा हुए, और यहाँ बिजनौर अभी भी गंगा जमुनी तहजीब का संवाहक है और झंडा बरदार है, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, और यहाँ इस प्रकार की कोई दूरियाँ अभी तक दिलों में पैदा नहीं हुई, हालांकि प्रयास किया जाता रहा लेकिन कभी भी यहाँ ऐसी दूरियाँ पैदा नहीं हुई। और
दुष्यंत कुमार ने तो यहाँ खुद कहा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यह केवल यही है कि यहाँ कोई भी आलोचना कर रहा है वो व्यक्तिगत है, यह बिजनौर की संस्कृति है। और इसके संभाग दुष्यंत कुमार ही नहीं रहे, इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ त्यागी जी रहे, निस्तर खान का ही साहब रहे, जिन्होंने यहाँ बड़े स्तर पर अपना नाम पैदा किया। और प्रकाश मेहरा जी बिजनौर से थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को जंजीर फिल्म में मौका दिया था। तो विवेक जी, आपने आलोचना की बात कही, कविता और शायरी के जरिए आलोचना तो बहुत पहले से होती रही, हालांकि वो धार अब उतनी तेज नहीं हुई। मौजूदा दौर में देखें आप, पहले जो कहा जाता था, चाहे सत्ता को चुनौती देने की बात हो, चाहे दिशा दिखाने की बात हो, और जिस तलखी के साथ बात कही जाती थी उसकी तासीर कुछ और होती थी, वो असर अब नहीं दिखता, उस पर हम बाद में आएंगे। आपने कहा आलोचना में दम होना चाहिए। एक शायर ने बड़ा बढ़िया शेर कहा है कि कुछ ऐसा वैसा कहने से बेहतर है खामोश रहो, कुछ ऐसा वैसा कहने से बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। तो शायरों और कलमकारों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसी बात कहें, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ उसका मतलब हो, कुछ मायने गहरे हो, अथवा हम चुप रहें। और आज के दौर में मुझे माफी के साथ मैं कहता हूं कि मंच की भी गर्मागिरी है, किस तरह मौजूदा दौर में शायरी और कविताएं हो रही, उस पर भी हम बात करेंगे, आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन उसके पहले मैं मेरा सब फिर आपका रुख करूंगा। उर्दू जबान की हम बात कर रहे थे, सवाल यह है कि सियासत में आप देखें, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, बहुत सारे नेता, और खासकर जब बजट पेश किया जाता है तो शायरी पढ़ी जाती है। जी सर जी। लेकिन सियासत में शायरी और शायरी की अपनी सियासत भी है, और खासकर मंच की सियासत है, उसको कैसे देखते हैं आप? जी सर, ये हर फील्ड में है कि जैसे सियासत, अगर शायरी में आप जाएंगे तो शायरी में भी मंच को लेकर बहुत सियासत होती है। लेकिन इन चीज़ों से हटकर एक शायर जब शेर कहता है तो वो बहुत दिल से कहता है, और जो लोग सियासत करते हैं वो भी उस पर दाद देते हैं अगर अच्छा शेर आता है तो। जी। क्योंकि कलमकार जब शेर कहता है तो वो अपना कलेजा निकाल कर रख देता है, जिसके लिए एक शायर कहते हैं कि नया चेहरा, नया लहजा, नया मजमून देते हैं। जी। गजल कहते हैं हम जब भी, गजल को खून देते हैं। वाह। और मैं अपनी चार पंक्तियां नौजवान नस्ल को सुनाना चाहता हूं। मैंने चार पंक्तियां कही कि देखिए नौजवान नस्ल यहाँ बैठे हुए हैं, गजल का शेर है, आप गजल भी एंजॉय कीजिए। मैंने कहा है शेर कि धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। शेर पसंद आए तो आप तालियां बजाते रहना। धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। उसके होंठों ने तो आवाज़ नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। वाह वाह। मेरा जी, मोहब्बत की बात की आपने, सदा अम्बालवी का एक शेर है कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जबान थी प्यारे, अब सियासत ने इसे जोड़ दिया मजहब से। ये एक बड़ा बुरा हुआ शायरी के साथ, उर्दू जबान के साथ। जी सर, अब मजहब के साथ जोड़ा, सबका जो जैसा कलमकार होता है वैसी सोच रखता है। मुनव्वर राना ये भी कह रहे हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। यकीनन यही रिश्ता है दोनों, तो मोहब्बत का भी रिश्ता है। मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ। चार मिसरों से फिर एक पैगाम देता हूँ कि दिया है खून तुमने भी, दिया है खून हमने भी, कई कुर्बानियां देकर इसे हमने संवारा है, चलो एक साथ मिलकर हम लगाते हैं यही नारा, तुम्हें भी मुल्क प्यारा है, हमें भी मुल्क प्यारा है।